और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, कर्णप्रयाग के बाद टिहरी गढ़वाल में भी घरों में दरार, चंबा टनल के पास घरों में दरार देखने को मिली है। तो मुसीबतें जोशीमठ वासियों की और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्णप्रयाग के बाद जोशीमठ के बाद टिहरी गढ़वाल में भी घरों में दरारें, चंबा टनल के पास घरों में दरारें, ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो जोशीमठ में भी कई घरों में, कई होटलों में दरारें आई। कर्णप्रयाग में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली और अब देखिए टिहरी गढ़वाल में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। घरों में दरारें आने लग गई हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं कि उनके आशियाने जो कि लाखों के खून पसीने की मेहनत की कमाई से बनाए गए थे वो उजड़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे क्रैक घर में आ गया, दरारें आ रखी हैं घरों में। चंबा टनल के पास भी घरों में दरार आई है। ये देखिए ये बड़ी बड़ी दरारें इस वक्त आपको घरों में नजर आ रखी होंगी। ऐसी तस्वीरें जोशीमठ में भी देखने को मिली। प्रशासन की तरफ से कहा गया आप जोशी अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ में की जो भी ज्यादा खतरनाक दरारों वाली बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि होटल्स हैं, उनको गिराया जाएगा। और कर्णप्रयाग में भी ऐसी तस्वीरें, अब टिहरी गढ़वाल में भी ऐसे ही हालात। यहाँ से लेके और मेन मार्केट तक सारे मकानों में दरारें आ रखी हैं, रोडें धस रही है। यहाँ पे जो ऑल वेदर की रोड बनी हुई है ये भी पूरी तरीके से धस रही है और कई बार यहाँ पे जो है रोड रिपेयरिंग हो चुकी है और फिर भी जो है बरसात में, अभी तो बरसात का सीजन भी नहीं है, फिर भी दरारें आ रही है। तो क्या बोले, इसमें तो बड़ा जो है सोचने वाली विषय है कि इसमें जो है बहुत बड़ी आपदा आ सकती है बाद में। सर, जब से टनल का काम शुरू हुआ है इस पर, तब से ये दरारें पड़नी शुरू हुई हैं और इस पर सर्वे भी हो चुका है कई बार, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकला है। मेरा ये मकान आपके सामने दिख ही रहा है, ये 80 से पुराना मकान है, 80 के लगभग का बना हुआ मकान है। तो हमने यहाँ से पिछले 19 में ही हमने यहाँ से इसको खाली करवा दिया था, किराएदारों को हटा दिया था यहाँ से, कि दरारें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, कोई हादसा ना हो जाए। और ये आपके सामने दिख भी रहा है। तो हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि जोशीमठ की तरह यहाँ भी संज्ञान लिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की जोशीमठ से जुड़ी हुई कि जोशीमठ पर सीएम धामी के सचिव का बड़ा बयान आया है। सीएम की सचिव ने मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि जोशीमठ बसाने पर विचार चल रहा है, जमीन की उपलब्धता हुई तो जरूर सोचेंगे, प्रशासन और स्थानीय समिति की भी मीटिंग हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की क्योंकि लगातार लोगों की तरफ से ये मांग भी की जा रही थी नया जोशीमठ बसाने को लेकर। और अब कहा गया है सचिव के द्वारा कि अगर जमीन उपलब्ध होती है तो नया जोशीमठ बसाएंगे, लेकिन फिलहाल लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी मुआवजा राशि को लेकर भी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लोग मौन व्रत रख के धरना प्रदर्शन कई जगह कर रहे हैं और पूर्व सीएम भी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, लोगों की मांग थी कि बद्रीनाथ के तौर पर पैकेज हो, हमने उनको क्लैरिफाई किया था कि बद्रीनाथ एक अलग कैटेगरी है, वहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसके साथ पैरिटी ड्रा करना ठीक नहीं होगा। और हम उनको जो उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड में जो पैकेज दी गई थी वो भी बहुत अट्रैक्टिव पैकेज है, उसकी तर्ज पर पैकेज यहाँ पर दे दी जाएगी। तो ये क्या मार्केट रेट से एक गुना दो गुना कितना ज़्यादा होगा सर? मार्केट रेट के बराबर के होंगे। अच्छा, मार्केट रेट के बराबर का। इसके अलावा सर कोई और ऐसे बड़े कदम जिससे यहाँ के लोगों को राहत दिलाई जा सके, जिनके मकानों में दरार आ रही है? जिनके मकानों में दरार आ रही है, एक इंटरिम रिलीफ के रूप में 1.5 लाख पर परिवार का तो आज जीवो इश्यू हो गया है और ये बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। और कुछ लोगों का जो विश ये है कि हम एक नया जोशीमठ बनाएं और वहाँ पर उनको बना करके दे दें, और कुछ लोगों का इंटरेस्ट ये है कि सरकार जो है उनको कैश कॉम्पनसेशन दे दे। क्या नया जोशीमठ बनाने पर भी विचार हो सकता है? उसके लिए जगह चाहिए, जगह कुछ लोगों ने एक गांव का जगह सजेस्ट किया है, वो कि जो कि गांव वालों की अपनी ज़मीन है, उसको अक्वायर भी करना पड़ेगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, उस पर टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग इंटरिम मेजर पर भी काम कर रहे हैं। बट में स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या बातचीत हुई, किस पर सहमति बनी है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना। हिमांशु जी, क्या फैसला हुआ, किस बात पर सहमति बनी है आपस में? सभी लोगों से हमने डिस्कशन किया, सबने अपना मत रखा है और हर कोई रिहैबिलिटेशन पैकेज की बात कर रहा है। तो और सबकी तमाम तरीके के बेसिकली लोग चाह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमें वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए और पेमेंट रिहैबिलिटेशन उस तरह का पैकेज दिया जाए, कोई कहता है
कि हमें जोशीमठ में ही बसना है, तो कई लोगों ने हमें लैंड्स आइडेंटिफाई करी हैं जहाँ पर रिहैबिलिटेशन हो सकता है, तो इस तरह को देखते हुए तमाम लोगों ने तमाम तरीके की बातें रखी हैं, तो उस पर एक पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा हुई है और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कंसेंसस पर पहुँच पाएँ कि जो रिहैबिलिटेशन पैकेज है उस पर हम पहुँच पाएँ। 1.5 लाख रुपये का अंतरिम राहत का एक पैकेज दिया जा रहा है अफेक्टेड फैमिलीज को, ये पूरी जानकारी क्या है, कितने परिवारों को आप ये पैकेज दे रहे हैं और कब तक देंगे? ये सभी प्रभावित परिवार हैं, जो वो भी एक डायनेमिक नंबर है यहाँ की लोकल स्थिति को देखते हुए, तो ये अभी वहाँ से शासन से इसकी स्वीकृति हो गई है कि इसमें दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो ये इंटरिम मेजर है, ये फाइनल मेजर नहीं है। इंटरिम मेजर में एक हम 50,000 रुपीज़ उनको दे रहे हैं, जो उनकी शिफ्टिंग और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको बियर करना पड़ रहा है, प्रभावित परिवारों को सामान ले जाना, कहीं वो जाना चाह रहे हैं उसके लिए गाड़ी हायर करना, एक वो है। और एक 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा है, अगेन वो भी अगेन इंटरिम मेजर है। जो भी फाइनल रिहैबिलिटेशन पैकेज प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा तो उसको 1 लाख को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो अगेन मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि इंटरिम मेजर है, ये फाइनल अमाउंट अभी नहीं है। एक और मैं क्लैरिटी चाहता हूँ कि क्या सभी मकानों को गिराया जाएगा जिनमें दरार है, या सिर्फ 2 होटल को ही गिराए जाने की बात है, और कब तक वो 2 होटल गिराए जाएंगे? देखिए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम यहाँ पर है, उनके एडवाइस और रिकमेंडेशन पे ये 2 होटल्स अनसेफ डिटरमाइन किए गए थे, जिनका डिमोलिशन और सॉरी मैं उसको डिसमेंटलिंग कहना चाहूँगा, बिकॉज ये आसपास के लोगों की सेफ्टी को देखते हुए और जो सिटीजन्स को रिस्क है, वहाँ के लोकल उसको रिस्क है, उसको लेते हुए इसकी डिसमेंटलिंग की जा रही है। और कोई भी अगर स्ट्रक्चर होते हैं जैसे वो बताएंगे आगे उनको किया जाएगा, परंतु अभी ये सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स हैं। आज की मीटिंग में कुछ लोगों ने हमें बताया कि उनका स्ट्रक्चर भी अनसेफ है जिसको डिमोलिश किया जाना चाहिए, उसको भी हम CBRI से वेट कराएंगे और उसके बाद ही उसकी डिसमेंटलिंग है हम एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से कराएंगे। और कोई भवन अभी नहीं गिराया जा रहा है? अभी एज ऑफ नाउ नहीं। एक अंतिम सवाल, कोई कारण पता चल पाया अब तक कि क्यों भू धसाव हो रहा है, क्यों जमीनें धस रही हैं, क्यों मकानों में दरार आ रहा है, कोई रिपोर्ट आई साइंटिफिक अब तक? इसमें तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, NGRI की टीम भी अभी एक आ रही है, वो इसमें वॉर फुटिंग पर इसकी स्टडी कर रहे हैं और सब सैंपल्स कलेक्ट करना और जो उसकी साइंटिफिक एनालिसिस है वो कर रहे हैं। हम होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ हमें वो एक रिजल्ट दे पाए और हम शॉर्टली हम उसको उसके अनुसार कार्रवाई कर पाए। तो दरारें रुकी हैं मकानों में आना अभी की, अभी पहले जैसी स्थिति है कि दरारें रुकी? अभी देखिए, लगातार हमारा सर्वे चल रहा है, तो कुछ भवन जो पहले बता रहे थे कि दरारें नहीं आई हैं तो बता रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ दरारें आई थी, तो किसी क्षेत्र में ऐसे मेजर लेवल पर अभी हमारी लगातार जनप्रतिनिधियों से भी बात हो रही है, तो कोई ऐसे बहुत मेजर किसी ने नहीं बताया है। जैसे मीटिंग में भी बात हुई कि जो वाटर का फ्लो था नीचे वहाँ पर JP कॉलोनी के वहाँ पर, तो वो भी अगले पिछले 3-4 दिन में कम हुआ है, तो वो जैसे साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है, तो हम होप कर रहे हैं कि ये एक और स्थायी चीज़ हो और लोगों को इस स्थिति से राहत मिल सके। हालात कब तक सामान्य हो सकते हैं, कोई उम्मीद? उम्मीद हमारी है कि जल्द से जल्दी हो, लेकिन अभी स्थिति डायनामिक है, जैसे हम भी होप कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो, ताकि लोकल लोग हैं वो उनको हम रिहैबिलिटेशन है या फिर जो भी रिसेटलमेंट हमें करना है उसको हम सेफली कर पाएं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी सेफ फील कर पाएं। थैंक यू। तो देखिए, जल्द से जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपये का मुआवजा अंतरिम तौर पर यहाँ प्रभावित परिवारों को दिए जाने का फैसला लिया गया है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। क्या आप सोच सकते हैं कि एक कमरे में इस ठंड के मौसम में इतना बड़ा परिवार कैसे रह पाएगा, और वो भी एक परिवार नहीं, 4 से 5 परिवार ये एक साथ यहां पर रह रहे हैं। जोशीमठ की जनता ऐसा दंश झेल रही है जैसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अपना घर बार छोड़कर यहां पर आप देखिए, एक स्कूल के कमरे में जहां बच्चे पढ़ाई किया करते थे वहां इन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्या यही व्यवस्था सरकार प्रशासन की तरफ से की गई है? प्रशासन तो कह रहा था कि होटल और धर्मशाला हम एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के कमरों में इन परिवारों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरे ऋषि देवी नाम है बेटा। कितनी मुसीबत आ रही है यहाँ रहने? बहुत मुसीबत आ रही बेटा, क्या कहना, घर परिवार तो पूरा बिखड़ गया, बच्चा बहु इधर उधर बिखड़ गया, पूरा घर टूट गया, लेटिंग बाथरूम कमरा किचन सारा गाय बछड़ी इधर उधर बिखर गया। हम भी यहाँ पर आ रखे विद्यालय में,
यहाँ कैसे रह पा रहे हैं? ये सब क्या करना, कहाँ जाना, दूर भी कहाँ जाना, यहाँ आग लकड़ी थोड़ा ताप तो होटल में तो इतना काम, बच्चे लोग ये सही, हमने थोड़ी यहाँ मांग रखा, अब देखो आ गया कि क्या करते हैं। प्रशासन ने आप लोग को यहाँ पर भेजा? हाँ भेजा, उन्होंने कहा यहाँ रहना चाहते, हमने कहा हाँ यहाँ। एक परिवार, एक कमरे में कितने परिवार रह रहे हैं आप लोग? यहाँ एक परिवार उधर है और बाकी पाँच परिवार यहाँ है। पाँच परिवार रह रहे हैं एक साथ? कितने लोग हैं टोटल? टोटल है तीन, बड़ी जेठानी के तीन लड़के, वो अलग। कितनी संख्या है? संख्या तो बच्चों ने लिख रखा है यहाँ पे, सब है तो काफी है यहाँ पे अभी हम। हाँ। और घर तो आपने देखा होगा, वहाँ पे इतना सारा टूट रखा है। आज चैनल वाले 550 आ रहे हैं यहाँ पे कि नहीं, कि हमें ये चीजें के लिए जरूरी है कि स्कूल में रख तो गया है यहाँ पे, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा परिवार है, जेठ है, जिठानी है, बड़े इतने ऐसे घर में हम रह रहे हैं, सामान हमारा आया नहीं यहाँ पे, हमने ऐसे टूटे फूटे सामान को यहाँ पे रखा हुआ है। आदमी अपने घर में क्या नहीं जोड़ता है ऐसे, और इतनी मेहनत, अपने खून पसीने की कमाई हमने वहां अपने घर में लगा दिया, आज सामान भी उठाए तो उठाए कैसे, उतना मन तो अपना हमारा वैसे ही टूट रखा है। और हमें खाली खाना नहीं चाहिए, हमें ये नहीं है कि हमारी व्यवस्था जल्द से जल्द करें, हम बस सरकार से यही उम्मीद है। कितनी संख्या है आप लोगों की जो एक कमरे में रह रहे हैं, पूरे पांच परिवारों की? अगर पांच परिवारों के यहाँ पे अभी 35 परिवार है, 35 लोग, 35 लोग है यहाँ पे, और है व्यवस्था आप देख रहे होंगे ऐसे, फिर अभी इतने जेठ है ऐसे करके बिस्तर में रह रहे हैं जो हम घर के अंदर नहीं आ पाते हैं ऐसे, फिर भी हमें रहना पड़ रहा है। मुसीबत है हमारी कि हमारा घर पूरा टूट चुका है, हम रोड पे खड़े हो गए हैं। हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पे आया था, उनको समझना चाहिए था कि यहाँ पे हो करके हम हर किसी के घर में गए, बड़े बड़े होटलों को देख रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी मर जाए यहाँ पे तो उनके लिए वो नहीं है ऐसे, हम जाए तो जाए कहाँ, वैसे भी हम रोड पे तो खड़े हो ही चुके हैं ऐसे। कितनी मुसीबत आ रही है यहाँ रहने में, क्योंकि मुसीबत तो क्या है, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत है, दे रहे हैं अब तो, देना तो उनको पड़ेगा ना, ऐसे मुसीबत हो रखी उनको, उनको पता है पूरा टूट चुका है, रोड पे खड़े हैं, हर कोई वो कर रहे हैं कि भाई ऐसी चीजें हैं, हम अपना जोशीमठ जो कि इतना सुंदर है, जोशीमठ में बाहर के लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि देवभूमि सबसे बड़ा अच्छा है यहाँ पे, तो आज हम इन चीजों के लिए भी मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा हमको ऐसे कि हम चले जाएं ऐसे यहाँ से, फिर भी लगाओ ऐसे घर में क्या नहीं होता लोगों का, ऐसे हर एक कुछ सामान होता है, अपनी खेती बाड़ी है, घर परिवार में इतने लोग खेलते हैं, जो घर हमारा पूरा बिखर गया है, आंख सामने हम देख रहे हैं उन घरों को टूटते हुए, यहाँ आ रहे स्कूल में, ये स्कूल का भी कब कब तक होगा यहाँ पे ऐसे, ये स्कूल का भी हम विश्वास करेंगे तो मैं यहाँ पे गाय भैंस की तरह रख दिया हमको यहाँ पे, खाना क्या करना, हमने मेहनत करके भी खा सकते थे यहाँ पे ऐसे, पर लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे भी, फिर भी हमें जल्द से जल्द हमारा घर मिल जाए, जो मेहनत हमने अपने खून पसीने की कमाई घर में लगा रखी है वो हमें वापस दे दे सरकार, हम उनसे वही विनती चाहते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।